हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक पेपर लेके आ रही हूँ या जो लोग अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे जिनको इंटरेस्ट है टीचिंग करियर में तो वैसे तो आज के पेपर में मैं बी पेपर में जो पेपर सॉल्व कर रही हूँ ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है क्योंकि जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग सभी पेपर्स में पूछा जाता है यहां पे सबसे पहले हम बात करते देखिए बी वन पेपर की तो बी वन पेपर के अंतर्गत जो आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज टेस्ट जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं पे आपसे लैंग्वेज टेस्ट जो भी आपकी बेस्ट है है अगर हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी सेलेक्ट करें इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश सेलेक्ट करें और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जो बिगनर्स हैं अभी तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जरूर इस पेपर को देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर से आपसे फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल ज एंड रीडिंग से भी फिफ्टी क्वेश्चन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से भी फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो वन मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको जो टाइमिंग दी जाएगी टू आवर्स की टाइमिंग इसमें दी जाएगी आपको पेपर सॉल्व करने के लिए और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे ही कोई भी अपडेट बी से जुड़ा हुआ आता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर उसका अपडेट मिल जाएगा इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है तो यहां पे देखिए फोर ऑप्शन दिए हुए हैं राम गंगा गंडक टोंस नयाल तो इनमें जो इसका करेक्ट आंसर है जो उत्तराखंड में नदी नहीं बहती है वो है गंडक नदी गंडक नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है

सीसीआई है उसके अध्यक्ष कौन है तो उसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है तो पहले जो सीडीएस है वो है जनरल बिपिन रावत ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर निम्नांकित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू के वर्तमान महानिदेशक कौन है तो टेड्रोस ए गैब्रिचियस जो है वर्तमान महानिदेशक तो है, तो है? तो है वो है एंटोनियो गुटेरेज ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है वो माना जाता है होमी जहांगीर भाबा को ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो वर्तमान में है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर असम की राजधानी कौन सी है तो असम की जो राजधानी है वो है दसपुर ऑप्शन बी इसका करेक्ट तो आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है तो अनंत पद्मनाभ मंदिर जो है वो है तिरुअनंतपुरम में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है निम्नांकित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो केंद्र शासित जो प्रदेश इनमें से नहीं है वो है गोवा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बाकी जो देखिए चंडीगढ़ पुडुचेरी दीव दमन एंड दीव है ये सभी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है तो मेघालय जो है मेघालय राज्य को भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ऑप्शन बी पे जो है देखिए प्रदीप कुमार जोशी जी जो है वर्तमान संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है एवरेस्ट चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे बछिंद्री पाल जो हैं एवरेस्ट चोटी पर विजय करने वाली पहली भारतीय है, महिला हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है, है उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है तो ये निर्वाचित विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो है सेवेंटी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है निम्नांकित अभिनेताओं में किसे दादा साहब फाल सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है तो जो दादा साहब फाल पुरस्कार का जो सम्मान नहीं मिला है वो है इसमें से सम्मी कपूर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है निम्नांकित में कौन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है तो जो शिक्षा से संबंधित आयोग इनमें से नहीं है वो है साइमन आयोग ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो राजस्थान द्वारा की गई थी तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल स्थित है तो लोथल जो है भारत में स्थित है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में ऑप्शन बीस का करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं तो सायंकाल का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है तो उत्तराखंड प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पेपर में काफी क्वेश्चन उत्तराखंड से जुड़े हुए पूछे गए हैं तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड के जो जीके के क्वेश्चन है वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है मोहनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ तो ये केरल से विकसित हुआ है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से जुड़ा हुआ देखिए रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एटी है एक चेक भुगतान की वैधता अवधि होती है तो यानी कि जो बैंक का जो चेक होता है उसमें जो वैधता की तो तिथि होती है वो कम से कम छह माह होती है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एटी वन है अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है तो अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है एनसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 82 है वंदे मातरम ट्रेन चलती है तो वंदे मातरम जो ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी चलती है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग से जुड़ा हुआ है यहां पर कहा जा रहा है अ बॉ का पिता है लेकिन बॉ ओ का पुत्र नहीं है दोनों में क्या संबंध है तो देखिए यहां पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां पर इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं ए इज फादर ऑफ बी जो ए है बी का पिता है बट बी इज नॉट सन ऑफ ए बी जो है पुत्र नहीं है ए का वट इज रिलेशन बिटवीन ए और बी अगर पुत्र नहीं है तो यहाँ पर उसकी पुत्री तो वो हो सकती है तो आंसर जो होगा देखिए पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा तो ए और बी के जो बीच का संबंध होगा वो होगा पुत्री का क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए तो इन चार ऑप्शन में हमें बताना है कि अलग कौन सा है तो इनमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है तो करेक्ट आंसर कैसे है देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट जो लेटर दिया गया है कैपिटल दिया गया है और जो लास्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में दिया है बाकी जो और ऑप्शन है उनमें फर्स्ट और लास्ट जो है, लेटर है कैपिटल लेटर दिए गए हैं इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो औरों से डिफरेंट है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है इनमें से आपको ऑड वन सेलेक्ट करना है ऑप्शन चार दिए हुए हैं तो अगर आप इनको ऐड करेंगे फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन तो इनका जो सम है वो ट्वेंटी वन हो रहा है ऐसे ही ऑप्शन बी ऑप्शन सी का भी ट्वेंटी वन ही आंसर आ रहा है लेकिन जो आपके पास ऑप्शन डी है थ्री नाइनटी एट अगर आप इनका सम करेंगे तो इनका सम नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी तो ऑप्शन डी इसमें डिफरेंट होगा क्योंकि जो थ्री नाइन्टी एट है उसका सम ट्वेंटी आ रहा है बाकी और ऑप्शन का ट्वेंटी वन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 86 है निम्निखित में कौन दूसरों से भिन्न है अगर हम दूसरों से भिन्न की बात करें तो मंगल बुद्ध बृहस्पति ये क्या है इनको हम ग्रह भी बोल सकते हैं या फिर हम इनको डे के नेम भी बोल सकते हैं लेकिन जो ऑप्शन सी है चैलेंजर ये एक अलग वर्ड है तो ऑप्शन जो सी होगा वो इसमें डिफरेंट होगा क्वेश्चन नंबर एटी सेवन है नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी तो आपको नेक्स्ट नंबर बताना है क्या होगा तो देखिए यहाँ पर अगर हम फिफ्टीन प्लस फाइव करें हमें ट्वेंटी मिलेगा ट्वेंटी प्लस टेन करें तो हमें थर्टी मिलेगा इसी तरीके से हम हर बार फाइव एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलेगा जैसे हमने पहली बार में फाइव ऐड करा दूसरी बार में टेन करा तीसरी बार में हम फिफ्टीन ऐड करेंगे तो हमें फोर्टी फाइव मिलेगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 एट से लेके नाइन्टी वन तक के जो क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग के ही है यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए तीन सर्कल पर बेस्ड है तो सर्कल में दिया है खिलाड़ी कलाकार और गायक दिए हुए हैं खिलाड़ी जो है देखिए यहाँ पर दिए हैं ए बी सी डी जो है वो खिलाड़ी हैं और कलाकार हैं एफ बी सी और ई e. और इसी तरीके से जो गायक हैं वो है डी सी ई जी तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है तो 88 नंबर का क्वेश्चन है खिलाड़ी लोग जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं हैं हमें ऐसा प्लेयर ढूँढना है जो क्या हो एक आर्टिस्ट तो हो लेकिन वो गायक नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बी और सी जो है कॉमन है बी और सी कॉमन है लेकिन सी जो है गायक भी है तो हमें सिर्फ ये बताना है खिलाड़ी जो कलाकार है तो बी जो खिलाड़ी है बी प्लेयर जो है वो कलाकार भी है तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकार जो न खिलाड़ी हो और ना ही गायक हो तो ऑप्शन जो है इसमें बी इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये खुद ही समझ आ जा जाएगा तो एफ जो है वो क्या है ना तो खिलाड़ी है ना ही गायक है क्वेश्चन नंबर नाइनटी है खिलाड़ी लोग जो गायक तो है परंतु कलाकार नहीं है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा इसी का क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन है खिलाड़ी लोग जो कलाकार भी हैं और गायक भी हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू है दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की तो यह की गई थी 1913 में ऑप्शन बीस का करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो ये करता है राष्ट्रपति ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था तो ऑप्शन बीस का करेक्ट आंसर होगा बिहार क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है देखिए इसको हम इग्नू भी बोलते हैं इग्नू आपने बेसिकली सुना होगा तो इसका करेक्ट आंसर है उन्नीस सौ पिचासी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स है उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है ये जो क्वेश्चन है बार बार ग्रुप सी के भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 97 है विश्व का सबसे छोटा देश है तो सबसे छोटा देश जो है विश्व का वो है वेटकन सिटी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 है उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है तो यह है मसूरी में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 99 है पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज है तो यह है गिरीश कर्नाट की ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स स्थित है तो यह है ऋषिकेश में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये था उत्तराखंड बीएड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको ग्रुप सी में भी हेल्प करेगा और एग्जाम में भी हेल्प करेगा इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर के लिए आप जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद